गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज मैं लेकर आई हूँ ये लुक, ताकि आपने ट्रेलर तो देख ही लिया होगा। जी हाँ, और लुक देखकर अंदाज़ा लगा भी लिया होगा कि ये कौन सा लुक है। जी हाँ, ये है लोढ़ी लुक। आई गेस मैं सही प्रोनाउंस कर रही हूँ, लोढ़ी लुक। या ये पंजाबियों का फेस्टिवल होता है, काफ़ी अच्छा फेस्टिवल होता है। इसमें जो पंजाबी कुड़ियाँ होती हैं ना, बहुत अच्छे से सज धज के तैयार होती हैं। तो मैंने भी कुछ ऐसा ही लुक क्रिएट किया है। आई होप आपको ये लुक अच्छा लगेगा। और अगर अच्छा लगेगा तो आपको पता है आपको क्या करना है, आपको मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब और मेरे चैनल पर कमेंट करना मत भूलिएगा। तो चलिए, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करती हूँ और करती हूँ वीडियो को स्टार्ट। लेट्स सो गाइस, जैसा कि आपको पता है, मेकअप करने से पहले आपको स्किन केयर करना पड़ता है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं ले रही हूँ टोनर, जो कि है डर्माडॉक का। देन इसके बाद मैं जो है फेशियल ऑयल लगा रही हूँ, जो कि है प्लम का, काफ़ी अच्छा फेशियल ऑयल है। देन इसके बाद वापस मैं डर्माडॉक का मॉइस्चराइजर क्रीम लगा रही हूँ, क्योंकि अपने फेस को, जैसा कि मैंने पहले बताया कि स्किन केयर करना ज़रूरी होता है ताकि अपना बेस फ्लॉलेस दिखे। देन इसके बाद मैं अपने लिप पे वादी हर्बल का लिप बाम लगा रही हूँ। इसके बाद यहाँ पे मैं लगा रही हूँ एनवाइबे का प्राइमर और उसको अच्छे से पूरे फेस पे लगा लूँगी। देन इसके बाद यहाँ पे मैं लगा रही हूँ पॉन्स का बीबी क्रीम और उसमें मैं ये मिला रही हूँ स्विस ब्यूटी का हाईलाइट लिक्विड हाईलाइटर। इसमें दो बूंद मैं मिलाऊँगी बीबी क्रीम के साथ, ताकि हमारा जो है बेस ना एकदम ग्लोई डुई दिखे। और अभी आप देखेंगे कि मेरा बेस कितना ग्लोई लग रहा है। देन इसके बाद वापस मैं जो है वेट ब्यूटी ब्लेंडर से पूरा जो है अपने बेस को, अपनी बीबी क्रीम को अच्छे से ब्लेंड कर दूंगी। आप देख सकते हैं कितना अच्छा से ग्लोई डुई लुक दिख रहा है खाली एक लिक्विड हाईलाइटर डालने से। देन इसके बाद यहाँ पे मैं लगा रही हूँ डार्लिंग इसाबेला का कंसीलर, काफ़ी अच्छी कवरेज देता है मतलब, और आपको जो है कम प्राइस में भी मिल जाता है। तो इसका भी लिंक आपको प्रोवाइड कर, जितने भी प्रोडक्ट यूज़ किए उन सब का बाय लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो कुछ इस तरह से आपको करना है ब्लेंड। देन इसके बाद यहाँ पे मैं ब्लू हेवन का लूज पाउडर यूज़ कर रही हूँ अपने जो है कंसीलर को सेट करने के लिए, ताकि कोई क्रीज लाइन नहीं आए। और यहाँ पे मैं बता रही, इसकी स्मेल बहुत अच्छी थी। देन इसके बाद यहाँ पे मैं लगा रही हूँ एनवाईबे का कंटोर कलर करेक्टर स्टिक से, मैं अपने फेस को कंटोर कर रही हूँ, नोज को कंटोर कर रही हूँ, फोरहेड एरिया, चिन एरिया, लिप एरिया, सब जगहों को अच्छे से कंटूर कर दूंगी। देन इसको मैं फिंगर से ही ब्लेंड करूंगी। इसके बाद वापस मैं यहाँ पे फेसेस कैनेडा की पैलेट ले रही हूँ और इसमें से जो है ब्रॉन्जर लूँगी और अपने फेस को अच्छे से ब्रॉन्ज कर लूँगी, ताकि एक फेस पे जो शेप दिखता है ना, अपना फेस एकदम कटिंग दिखता है अपने फेस में, वो ब्रॉन्ज से ही दिखता है। तो सो मैं ब्रॉन्जर यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। आप खुद देख सकते हैं फ़र्क जो है मेरे फेस में, जो कट है वो कितनी क्लियरिटी से दिख रहा है, कितना क्लियर से विजिबल हो रहा है, देख सकते हैं आप। देन इसके बाद यहाँ पे मैं स्विस ब्यूटी का पैलेट ले रही हूँ। इसमें से मेरे तीन जो है ब्लशर टूट चुके हैं, तो आप उसको इग्नोर कीजिएगा। यहाँ पे जो मैंने ब्लश लिया उसको मैं अपने हैंड पे सबसे पहले डिप कर लूँगी, थोड़ा सा जो भी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट है उसको निकाल दूँगी, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट अप्लाई करते हैं ना तो बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड है, तो बिल्कुल आपका जो फेस है ना वो ज़्यादा पिंकी पिंकी सा हो जाएगा। देन इसके बाद यहाँ पे मैं मैबलिन का मास्टर क्रोमिंग हाइलाइटर ले रही हूँ। आप देख सकते हैं कितना पिगमेंटेड और कितना मतलब बहुत अच्छा जो है हाइलाइटर है ये। आपने काफ़ी यूट्यूबर्स को इसको यूज़ करते हुए देखा होगा। सो मैं यहाँ पे इसको अपने चिन एरिया, नोज़ एरिया, लिप एरिया पे लगा लूँगी। देन इसके बाद यहाँ पे मैं स्विस ब्यूटी के
मेकअप स्विस ब्यूटी का मेकअप स्प्रे यूज़ करूँगी। देन इसके बाद यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ बेट एंड वाइल्ड का आईब्रो पैलेट, जिससे मैं अपने आईब्रो को अच्छे से सेट कर लूँगी। आपको कुछ इस तरह से करना है। अगेन मैं जो है डार्लिंग इसाबेला का कंसीलर लूँगी और इससे मैं जो है मेरे आईब्रो को अच्छे से नीड एंड क्लीन करूँगी। आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से। अगर आप ये चीज़ यूज़ करते हैं ना, अगर मतलब आप ये ट्रिक यूज़ करते हैं कंसीलर से अपने आईब्रो को अच्छे से नीड एंड क्लीन करते हैं, तो बहुत अच्छा शेप आता है, बहुत अच्छे उभर के आता है। और जो भी आप आई शेडो जो है यूज़ करेंगे ना, वो बहुत अच्छे से उभर के आएगा। और यहाँ से आईब्रो आप देख सकते हैं कितना नीड एंड क्लीन दिख रहा है। मुझे ये स्टेप बहुत पसंद आता है। देन इसके बाद यहाँ पे मैं बेट एंड वाइल्ड का आई शेडो पैलेट ले रही हूँ, जिससे ये डार्क शेड उठा रही हूँ मैं, और इसको अपने कॉर्नर एरिया से लेकर अपनी एक क्रीज लाइन बिल्डअप कर रही हूँ। आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से, जो अपना क्रीज लाइन है ना, मैं उसको बिल्डअप कर रही हूँ। देन ऐसे ही मैं अपने सेकेंड आईज पे भी, दूसरी आईज पे भी कर लूँगी। देन इसके बाद यहाँ पे मैं ले रही हूँ एंजल रोज़ की आई शेडो पैलेट, जिसमें से मैं ये कलर उठा रही हूँ। आप देख सकते हैं जो कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहा होगा, उसको भी मैं अपने क्रीज लाइन के नीचे ऐसे मतलब स्मच करूँगी। आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से। ऐसे ही मैं दूसरी आईज पे भी कर लूँगी। देन इसके बाद उसी सेम एंजल रोज की पैलेट से मैं ये डार्क शेड उठाऊंगी और इसको कॉर्नर एरिया पे अपने अच्छे से हाईलाइट करूंगी, ताकि तो एक शेप जो है वो डार्क कलर का जो शेप है वो उभर के आए कुछ इस तरह से। और आपको इसको जो है इनर कॉर्नर की तरफ ले जाना है, आउटर कॉर्नर पर डिपॉजिट करते हुए आपको इनर कॉर्नर की तरफ ले जाना है कुछ इस तरह से, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। और इसको अच्छे से ब्लेंड करना है। देन मैं जो है वापस डार्लिंग इसाबेला का कंसीलर लूँगी, जिसे मैं एक फ्लैट ब्रश की हेल्प से अपनी मिडिल आईलिड पे कट क्रीज बनाऊँगी। यहाँ पे जो ब्रश यूज़ किया है मैंने, वो है रियल टेक्निक का फ्लैट ब्रश, स्मॉल फ्लैट ब्रश है ये। और इससे मैं एक कट क्रीज तैयार करूँगी। आप देख सकते हैं जो अभी मैंने अपनी आईज़ को ऐसे ऊपर किया, इससे पता चलता है कि हमारी कट क्रीज कहाँ तक बनेगी। ये काफ़ी अच्छा तरीका होता है। आप जो है बीच में जो है कंसीलर लगाए और अपनी आँखों को ऊपर कीजिए, देन आपको पता चल जाएगा कि हमारी कट क्रीज कहाँ तक बन रही है। यहाँ पे मैंने लिया है फ्रूट पाई फिलिंग की पैलेट, जिसमें से मैंने ये लेमोनेड कलर जो होता है, उस कलर का आई शेडो उठाया है। इस शेड का नाम है लेमोनेड। ये थोड़ा सा शाइनिंग जैसा, नहीं मतलब सिमरी शेड है, इस तरह से है। देन इसके बाद वापस मैं जो है एंजल रोज़ की पैलेट से ये ग्लिटर उठाऊंगी और इसको अपने मिडिल आईलिड पे फिंगर की हेल्प से जो है डैब करते हुए लगाऊंगी। यहाँ पे मैंने कोई ब्रश यूज़ नहीं किया, इसको फिंगर से ही लगाना पड़ता है, क्योंकि फिंगर से अच्छे से ये मतलब चिपक जाता है आपकी आईलिड पे। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से गाइस। देन इसके बाद यहाँ पे मेरे पास तीन काजल है, आई पेंसिल है, एक एनवाइबे है, एक बेला वोस्टा और एक सुगर की। तो यहाँ पे मैंने बेला वोस्टा का काजल यूज़ किया है अपने वाटर लाइन पे एंड अपर वाटर लाइन पे, दोनों जगह मैंने ये पेंसिल यूज़ किया है। इसी से मैं, आप देखिएगा, अपना जो है आईलाइनर भी इसी से ड्रॉ करूँगी दोनों आईज पे। उसके बाद उस पर मैं एक स्मजर ब्रश लूँगी, जिससे मैं अपने आईलाइनर को, जो मेरा काजल है, उसको अच्छे से ब्लेंड कर दूंगी, स्मच कर दूंगी कुछ इस तरह से। और आप देख सकते हैं मैंने सेम ही पेंसिल से आईलाइनर भी ड्रॉ किया, और वापस से मैं जो है स्मच कर रही हूँ अपने आईलाइनर को, क्योंकि ये पेंसिल आईलाइनर है तो अच्छे से ईजिली ये स्मच हो जा रहा है। तो कुछ इस तरह से आपको करना है, ऐसे ही दोनों आईज पे। देन इसके बाद जो मेरा विंग्स बना है छोटा सा, उसको क्लीन करने के लिए जो है मैं वापस डार्लिंग इसाबेला का कंसीलर यूज़ कर रही हूँ। इससे काफ़ी शार्पनेस आती है, मतलब आपका जो भी इधर उधर आईलाइनर हो चुका है या काजल फैल चुका है ना, वो अच्छे से क्लीन हो जाता है, तो पता ही नहीं चलता। काफ़ी अच्छी ट्रिक है गाइस। वापस से मैं ये जो डार्क शेड उठाया मैंने एंजल रोज़ की पैलेट से, उसको मैं अपने वाटर लाइन के नीचे अच्छे से स्मच कर दूँगी, ताकि एक स्मोकी इफेक्ट दिखे। यहाँ पे मैं जो है
हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ अपने विंग्स आईलाइनर पर और कॉर्नर एरिया पर, आपने देखा अभी, इससे काफ़ी अच्छा दिखता है। वापस यहाँ पे मैंने अपने फॉल्स आईलैशेस कंप्लीट कर ली। देन इसके बाद यहाँ पे मैं लिपस्टिक लगा रही हूँ जो कि है NYBA की लिक्विड लिपस्टिक। इसका रिव्यू जल्दी ही आने वाला है गाइज, और आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से है। अब मैं वापस ज्वेलरी वगैरह पहन के आती हूँ। ये है मेरा फाइनल लुक।